की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP पवेलियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये जिंदा वाली पिपाशा अभी तक तो यही सोचा था यार वो तेरी कुछ नहीं होता हाथ लगाते ऐसे हमारा तो देख के बीपी लो आ जाता है इतनी सुंदर लड़की को। थैंक यू एक सवाल पूछना है आपसे आप दोनों इतने हॉट हो जब आप गले मिलते हो चिंगारियां नहीं निकलती हमको देखना एक बार गले मिल के दिखाओ आपको नहीं आपको तो रोज मिलती मेरे को करण अरे करण गले लगो यार आजा आजा भाई मेरे को परिवार से निकाल देंगे अगर आई एम फुल ऑफ चिंगारी बैंक संगमरमर के पेट है पता इतना हार्ड इधर से और बहुत ज्यादा गड़बड़ की तो ऐसे क्रश करेंगे कि पूरे क्रश हो जाएंगे पंजाबी भाई है हमारा भाभी कैसी हैं आप ठीक है अच्छा हुआ आपको हग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी ना ऐसे चिंगारी निकलती क्योंकि चांटा जो पड़ता इसको हग बोलते अंग्रेजी कहां सीखी इसको हग बोलते ये सो थैंक यू सो मच वायकॉम 18 आपने जो वादा किया था मेरे साथ पूरा कर दिया अब आपको कोई सैलरी या पर डे नहीं मिलेगा यही आपका आज यही कॉम्पेंसेशन था मेरे बगल में खड़े होना और विपाशा का सॉ यू ऑन द रैंप आई हैड अ गर्ल क्रश ऑन यू आई एडमिट इट टुडे ये ठीक नहीं है भाई लड़की ठीक नहीं है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बट सीरियसली यू आर हैशटैग हॉटेस्ट कपल बट फॉर यू अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कौन हॉट कपल है आई थिंक रणवीर दीपिका दे आर हॉट हॉट तो लगेंगे ही इन कपड़ों में दीपिका हॉट लगती है वही कपड़े पहन के रणवीर भी हॉट लगते हैं थैंक गॉड आपने अनुष्का विराट नहीं बोला क्योंकि विराट तो अभी हमारी इंडस्ट्री में आए नहीं है आई वुड लव टू डेब्यू विद हिम तो बच्चे के साथ फिल्म करेंगी ठीक लगेगा पता कौन सी फिल्म आएगी पहले सीन में विराट ऐसे भागता हुआ घर के अंदर आएगा और बोलेगा माँ माँ सिलाई मशीन लेके बैठी होगी बेटा तुझे कितनी बार कहा खतरों से मत डराकर बलराज हर इंसान को अधेड़ उम्र में तुम्हारी तरह ब्रेक नहीं मिलता आई वॉज लाइक सचिन तेंदुलकर आई स्टार्टेड माई करियर बहुत पहले जैसे विपाशा ने अपना करियर 15 साल में स्टार्ट किया था सचिन भी 40 की हो गए तो आप भी तो 39 की होगी फिर जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उनका क्या रिएक्शन था मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हुए बिकॉज आई वॉज अ टॉपर इन माई क्लास तो पापा ने सोचा था कि मैं हमेशा डॉक्टर बनूंगी एंड आफ्टर दैट आई वन द कॉन्टेस्ट और उसके बाद मेरे पापा लिटरली एक साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की लेकिन अब वो आपको इतना कामयाब देख कर क्या कहते हैं यू नो एक बहुत अमेजिंग रिस्पेक्ट मिलता है पेरेंट्स से मुझे बिकॉज जो भी किया है मैंने खुद किया है और हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रख के किया है हम हमेशा सिखाते हैं कि हाँ बोलना ज़रूरी है लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया था दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ नो यस जस्ट इन केस तू कुछ पूछने वाला तो पहले नो बोल दे भाई इसी चक्कर में सिंगल है बिना प्रपोजल के नो कर देती है लड़की बट करण भाई एक बहुत अच्छी बात है कि ये डॉक्टर नहीं बनी ये तो मैंने तो रोज इंजेक्शन लगवाने चले जाना था पता है लेकिन मैं वैसे सच बताओ बलराज कुछ दिमाग के इंजेक्शन की जरूरत तो आपको अभी भी है आपको देखा चाहे बेइज्जती करती है लेकिन इज्जत करना नहीं भूलती पता है ना होने वाला पति हूँ आपको रहता है पूरा बकायदा ये बताइए कि किसने किसको प्रपोज किया था एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि हमें पता था कि हम एक साथ रहने वाले मनाया विपाशा के फादर को कैसे पटाया फादर को तो पटाना आसान नहीं है पर नेचुरली जब उन्होंने करण को देखा समझा पूरा एक साल इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ही लव्स हिम बकायदा एक साल ऑडिशन हुए हैं आपके एक साल मम्मी को एक रात में पटा लिया क्या किया ऐसा मम्मी का पर्स लेके बैठ गया मेरे आई स्वेयर मेरे को मम्मी का पर्स लेके ऐसे बैठा हुआ था पूरे पार्टी में मेरे बर्थडे की पार्टी थी और हम लोग अनाउंस कर रहे थे हमारी एंगेजमेंट मम्मी आई सब डरे हुए थे कि क्या होगा और मैंने उनको दफी मारी तो उनको लगा फिर उन्होंने ऐसे किया मेरे पीठ पे मतलब कि भैया छोड़ दे अभी हो गए ठीक है
मैं नहीं छोड़ने वाला. मैं और तब तक हम कर रहा था. फिर एक और बार आया सेकेंड टाइम. फिर थर्ड टाइम हो गया. मैंने चल ठीक है अभी आई लीव यू. तो बहुत 5 मिनट लंबा हक था. उसके बाद पता नहीं जब जब हक होता है ना तो एक दूसरे की वाइब्स पता चल जाती है उस पर. सो मैं ही वांट टू चेक माय वाइब्स. नहीं मुझे पहले ही पता है आपकी वाइब. मुझे हक करने की जरूरत नहीं. मुझे पहले ही पता है. स्टार्टिंग में नो बोल देता हूं. तो आप कभी मतलब आपने करण को बोला हो कि लेट्स वॉच दैट फिल्म. बोला कौन सी? गॉबर इज बैक. व्हाट? गब्बर इज बैक. दैट विल बी गॉबर. ओके बाय द वे. इट विल बी नो नो. जब घर में पूजा होती है तो हमारे पंडित बंगाली हैं. तो पंडित बोलते हैं करण को देख के आपका नाम. तो मैं बोलता हूँ करण सिंह ग्रोवर. तो बोलते हैं हाँ करण सिंह ग्रोवर. करण सिंह ग्रोवर. भाई आपकी इतनी अच्छी बॉडी है. तो कभी ऐसा हुआ है जैसे रेडी हो रहे हो, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है आपने, ब्लू ट्राउजर, द मोस्ट सेक्सीएस्ट अटायर जो लड़के, तो ऐसे भाभी किचन से आई हैं, किचन से चाय लेके आई हैं, आपने ऐसे अंगड़ाई लिया आपकी शर्ट के बटन टूट गए हो. टूटे 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 टूटे. कैसे बताओ? नहीं मैं नहीं तोड़े होंगे, गुस्से में तोड़ दिए थे. गुस्सा आता है इन पे आपको? मैं बंगाल से हूँ, रॉयल बंगाल टाइग्रेस. करण ऐसा क्या आप करते हो जो बिपाशा को आप पर इतना गुस्सा आता है? ज्यादा कुछ नहीं. पहले होता था थोड़ा, ये यहाँ पे क्यों रख दिया है और वो वहाँ पे क्यों नहीं रखा है. यू नो साइलेंट ट्रीटमेंट जो होती है ना बहुत इफेक्टिव होती है. यू नो जब चुप रहो ना और सिर्फ देखो, ऐसे एक लुक दे दो, सब चीजें एकदम जगह पे चली जाती है. एक चक्कर हमारी पार्लियामेंट का भी लगा दो, देश का बड़ा. अच्छा करण और बिपाशा आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे की सबसे इरिटेटिंग हैबिट्स कौन सी लगती है? करण पहले आप बताओ. यू कॉल योर डॉक्टर फर्स्ट. नहीं नहीं आई एम अ डॉक्टर. सबसे इरिटेटिंग हैबिट इनकी है कि हमेशा सही होती हैं. सेकंड इट्स नॉट इरिटेटिंग, इट्स वेरी रिक्वायर्ड. रिमाइंडर, हर चीज करने के लिए ना रिमाइंडर्स होते हैं कि इसको फोन कर लेना या उसको बुला लेना. तो वो मुझे बहुत, वो आदत किसी की भी मुझे इरिटेट करती है बिकॉज मैं बहुत प्रॉम्प्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और तभी का काम. मींस आई बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ कि अभी करना है. वो बोलते हैं कि सब कुछ टाइम से करना चाहिए. तो मैं बोलता हूँ मैं सब कुछ अपने टाइम से करता हूँ. सही बोलते हो. टाइम से है मतलब ऐसे क्या? बोलते तो सही हो आप, पति हो गए हो कि मानता नहीं, बात अलग है. और दो चीजें, कम ऑन. करण बहुत सेंसिटिव है. यार ये सब बाहर नहीं बोलना होता. एक्चुअली मुझे सिखा के आते कि कभी बाहर मत बोलना. ये करण बहुत सेंसिटिव भाई. मतलब आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? और तीसरी आदत है, उन्हें पता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन हर चीज में पहले ना 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 ना. It's like tradition. It's a way of saying no. उसको कुछ भी बोला करण ये बोल. ना ना ना. उसके बाद कर लेता हूँ मैं. और immediately उसके बाद कर लेगा. मेरा भी बड़ा मन है ऐसे ही कोई इधर बैठा हो मुझसे पूछे सौम्या के 3 इरिटेटिंग आते हैं. वो पहले उसे नया बोल देता तेरे को. आप बोलिए. एक बार में हाँ नहीं बोलती, एक तो ये सबसे बुरी आदत है इसकी. ये तो अच्छी बात है, हर लड़की को ना बोलना जरूरी है. मैंने कहा हनीमून चलते हैं, मना कर रही थी, कहती पहले शादी कर लो. मैंने कहा मैं बिजी हूँ शूटिंग कर रहा हूँ, शादी बाद में कर लेंगे. यार भाई बहुत हो गया बलराज. आप मुझे एक बात बताओ. बहुत हो गया बलराज, अब मुझे अपने भाई को ही बुलाना पड़ेगा, वही आपसे अब निपटेगा. भाई तो ऐसे बोल रही कैसे इस शो में? बेटा रघु राजीव नहीं, राघव जुआल नाम है मेरा, हल्के है क्या? अगर तूने हाथ आंख उठा के देखा मेरी बहन को बेटा, ये तो तूने वेलक्रो लगाया ना यहाँ, ये पूरा वेलक्रो तो लगाया, सारा उखाड़ दूंगा यहाँ से. इतना बदतमीज आदमी है. मतलब पिछले सीजन में इसने किसी को नहीं छोड़ा भाई जी लाइन मारने से, बाहर स्पॉट दादी वो भी लाइन मार रहे हैं. इसका चक्कर हर किसी से है. फ्लाईओवर के नीचे वो बंजारन रहती है ना, चूड़ी पहन के जो रहती है बंजारन. कल मैं आ रहा था तो उसके बच्चे भी वो तार पे ऐसे ऐसे खेल रहे थे उसके ऊपर. इतना लिचड़ आदमी है. मेरी बहन को देख मत दिया बेटा इस बार, समझ रहा है? हाँ दीदी. साले भाई. हाँ ये कैसा भाई तुम्हारा, रुमाली रोटी आपके लिए खाना लाया हूँ. देखो इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को. दीदी दीदी क्या समझाया था आपको? हमारे खानदान की इज्जत जाएगी. ये क्या है, ये आके अपनी चीज कर देगा, इज्जत किसकी जाएगी? दीदी दीदी किसकी जाएगी? बताओ जरा. आई एग्री राघव, आई एग्री. यू एग्री? यस. ओ मेरी बहन, मेरी प्रीति जिंदगी.
मेरी मधुबाला, मेरी प्रीती जिंटा, मेरी बिपाशा बासु, मेरी बोल बोल के 175 पप्पियां ले ली तूने 5 मिनट में। हाँ तुम तो वाईफाई से पप्पियां लेते हो अपने घरों में, तभी ऐसा हाल है तेरा। ठीक है दीदी खाना लाया मैं, ला जाओ इनके लिए खाना लाता हूँ मैं, क्योंकि इनके देखो डाइट वाइट का ख्याल रखना पड़ता है, मेरी एक ही लौती बहन है। मैं क्या बताऊँ आपको बिप्स, आई एम सो वरीड अबाउट हर, यू नो। यस यू शुड बी। इतना पतला आदमी, मतलब दोनों भाई बहन इकट्ठे भी कर दो आलू का पराठा ज्यादा भारी होता है तुमसे। देखो पतले आदमी का ये फायदा होता है दिमाग पे चर्बी नहीं चढ़ती है। हाँ और चर्बी छोड़ो, कभी जेल वेल में बंद हो गए तो हम लोग सलाखों के बीच में से निकल जाएंगे। हाँ हम पतले हैं, जो तू सुबह सुबह आटा गूंद के यहाँ लगा देते हैं अपने, उसका क्या है, वो किस काम का है, है? और ये खुलथुला आदमी, भूकंप पीड़ित आदमी है ये, he's भूकंप पीड़ित babes, I tell you he's never mind his language, never। इसका एक पैर यहाँ लगेगा तो यहाँ से भूकंप आता है, फिर एक पैर यहाँ रखता तो यहाँ से भूकंप आता है। अबे तू चलता है कि तू, छोड़ो। दीदी आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया? ये लीजिए। कच्चा आलू क्यों लाए हो? इसे ना चूहों की तरह कुतर कुतर के खाओ, पूरा दिन चलेगा, उबला वालों जल्दी खत्म हो जाता है। और वैसे भी हमारी स्थिति ऐसी थी यार, है बल्लू।